हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही मशहूर रेसिपी कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को मैं अपने अम्मा के तरीके से बना के दिखाऊंगी। इसे आप ज़रूर देखिएगा। इसे कहीं पे कढ़ी बड़ी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम बड़ी कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। बड़ी कढ़ी बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 250 ग्राम बेसन, 250 ग्राम दही, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, तो ये सब हम ज़रूरत के अनुसार यूज करेंगे, मेथी दाना, छाछ, फ्राई के लिए तेल, ज़रूरत के अनुसार हम पानी लेंगे, तड़के के लिए हमने लाल मिर्च, धनिया पत्ता, जिंजर को हमने ग्रेट कर लिया है और थोड़ा सा हमने करी लीव लिया है। तो चलिए पकौड़े का घोल बनाना शुरू करते हैं। पकौड़े का घोल बनाने के लिए हम एक बड़ा सा बॉल ले लेंगे और उसमें बेसन डाल देंगे। थोड़ा सा बेसन हमने कढ़ी के लिए बचा लिया है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और कलर के लिए हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के और एक गाढ़ा घोल बनाएंगे। तो ऐसे हम चलाते हुए इसे एक घोल बनाएंगे। हमने अच्छे से पकौड़े के घोल को फेंट लिया है, यानी कि इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। इससे ये हल्का हो जाता है और पकौड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं, हमने स्पून के पिछले वाले हिस्से से 5 से 6 मिनट तक पकौड़े को फेंटा है। आप चाहें तो हाथ भी लगा सकते हैं, पर स्पून से भी हो जाता है। एकदम स्मूथ पेस्ट हमने बनाया है। आप देख सकते हैं, ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए पकौड़े की घोल की। तो इसे हम 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुका है, बेसन अपना फूल चुका है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने तेल ले लिया है, तेल को गर्म होने के लिए रख लिया है। अब हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे कि तेल पकौड़े के लिए गर्म हुआ है या नहीं। तो हम थोड़ा सा बेसन में से लेंगे और एक ड्रॉप डाल के चेक करेंगे। आप देख सकते हैं, बेसन पड़ते तैर के ऊपर आ गया, यानी कि पकौड़े के लायक अपना तेल जो है गर्म हो चुका है। तो हम गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और बाकी के पकौड़े डालेंगे। तो इसको हम निकाल के अलग हटा दे रहे हैं और इसमें हम पकौड़ा डालेंगे। तो हम पकौड़ा हाथ से ही डालेंगे, हाथ से अच्छा सा शेप आता है। ऐसे ऐसे हम मीडियम साइज के छोटे छोटे पकौड़े तेल में डालेंगे। आप बड़ा भी कर सकते हैं, पर बेसन के पकौड़ा छोटा छोटा डाला जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार में जितना पकौड़ा आ सकेगा हम डालेंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। पकौड़ा एक साइड से सिक चुका है। आप देख सकते हैं, सारे पकौड़ों में अपने आप बीच में ये फटने जैसा हो गया है, यानी कि परफेक्ट घोल तैयार हुआ था। इसमें जब छाछ जाएगा तो ये खाने में बहुत ही स्पंजी होगा। अब हम इसे ऐसे उलट उलट के 2 से 3 बार और सेक लेंगे, जिससे ये अच्छे से अंदर तक सिक जाए। पकौड़ा
चारों तरफ से सीख चुका है। आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना बढ़िया पकौड़ा तैयार हुआ है। अब हम इसे झड़ने की मदद से एक्स्ट्रा तेल गिराते हुए एक प्लेट में निकालते जाएंगे। ऐसे हमने पकौड़े निकाल लिए। अब यहाँ इस पकौड़े को हम छाछ, जो हमने एक ग्लास छाछ लिया है उसे एक बॉल में ट्रांसफर कर दिया है, और गर्मा गर्म पकौड़ा हम अब इस छाछ में छोड़ देंगे। कढ़ी बनाएंगे तो हम उसमें इसको डालेंगे। अब चलिए हम तेल में दूसरा बैच डालना शुरू करते हैं। तेल अपनी गर्म ही है और घोल तैयार है, तो हम छोटे छोटे पकौड़े फिर से डाल देंगे। हम एक बड़ा सा बॉल ले लेंगे और इसमें हम बेसन को डाल देंगे। अब इस बेसन में हम डालेंगे दही, साथ में हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। अब हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, चटपटा होता है। तो आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची मत डालिए, और बड़ों के लिए तो थोड़ा सा मिर्च अच्छा लगता है। वो तैयार करेंगे तो हमने एक विक्स लिया है, आप चाहें तो हाथ से या स्पून से इसे मिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दही के साथ इसे, ये हमने बेसन को दही के साथ फेंट लिया है। अब हम इसमें ढेर सारा पानी डालेंगे, तो इसमें हम 1 लीटर पानी डाल रहे हैं और अच्छे से घोल लेंगे। जरूरत पड़ी तो हम बाद में पानी डालेंगे। इसे हमें एकदम पतली सी घोल बनानी है। घोल में बिल्कुल लम्स नहीं रहनी चाहिए। इसे हम 2-3-4 मिनट तक फेंक सकते हैं। तो ये अपनी फाइनली घोल तैयार हो चुकी है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। पिंडी वाली बर्तन ले लेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। पैन गरम हो चुकी है। अब हम उसमें 1 चम्मच से थोड़ा सा कम तेल डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो कर लेंगे और इसमें हम तड़का डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ 1 चम्मच मेथी दाना डालेंगे, जीरा, लाल मिर्च, आप चाहें तो तोड़ दें, हमें खड़ा दिखने में अच्छा लगता है तो ऐसे ही डाल रहे हैं। गैस स्लो करके हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। मेथी, जीरा, मिर्च, कड़ी पत्ता ब्राउन हो चुका है, हमें काला नहीं होने देना है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, जिसे हमने ग्रेट करके रख लिया था, और इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। चुका है, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के टाइम में गैस स्लो होना चाहिए, नहीं तो पाउडर जलने लगता है। तो ऐसे डाल के हम कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। हल्दी पक चुकी है, अब हम इसमें ये बेसन का घोल जो बनाया था उसको डालेंगे। तो धीरे धीरे करके हम घोल डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ रहा है। घोल डालने के बाद हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो पेंदी में लग जाता है। अब हम गैस की फ्लेम को तेज करके और कढ़ी को उबालेंगे। बेसन की घोल गाढ़ी थी तो हमने उसी बॉल में 1/2 लीटर और पानी ले लिया है और इसमें डाल के चलाएंगे। कढ़ी का थिकनेस देख के पानी ऐड करते जाइए। पतली कढ़ी डालने पे
गलते गलते पकाते पकाते ये गाढ़ी हो जाती है। बस एक ही बात ध्यान में रखना है कि इसे हमें अच्छे से चलाते रहना है। तो हम इसे 5 से 7 मिनट तक तेज फ्लेम पे उबालेंगे। कढ़ी जितनी उबलेगी उतनी ही बढ़िया टेस्ट आएगी। कढ़ी को हमने चलाते हुए पका लिया है। हम यहाँ पे एक बात भूल गए हैं, आपको बता दे रहे हैं, वो है हींग डालना। एक्चुअली ये हींग तो तड़के में ही पड़ता है, लेकिन मैं भूल गई हूँ, ये आप भूल ना करें। मैं ऊपर से डाल रही हूँ, आप तड़के के साथ डाल दीजिएगा। और हींग डालने के बाद भी हम इसे 2-3 मिनट तक पका लेंगे। हींग डालने के बाद हमने कढ़ी को अच्छे से पका लिया है। कढ़ी अपनी जरूरत के अनुसार गाढ़ी हो चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे। गैस बंद कर दिया है हमने। अब गर्मा गर्म कढ़ी में हमने जो पकौड़े को छाछ में भिगो के रखा था उसे छोड़ देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए, पर इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब हम कढ़ी के साथ पकौड़े को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार कढ़ी पकौड़ा तैयार होता है। इसे हम मिक्स करके 1 से 1.5 घंटा के लिए छोड़ देंगे, फिर सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये कढ़ी पकौड़ा बनकर तैयार है। ये एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, और इसका टेस्ट तो आप बनाएंगे तो ही पता चल पाएगा। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बनता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हमारे घर में तो इसे सब लोग पसंद करते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।